नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए ईवीएम के साथ रवाना हुई पोलिंग पार्टी। हिमाचल हाई कोर्ट में महाजन की अर्जी खारिज, राज्यसभा चुनाव को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई। सीएम सुक्खू का दावा, उपचुनाव के रिजल्ट के बाद 41 होगी कांग्रेस विधायकों की संख्या। सीएम के कार्यालय से तय हो रही टेंडर की शर्तें, मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहे अलॉटमेंट, बोले जयराम ठाकुर। हिमाचल में 9 महीने बाद मिला शहीद का शव, पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। हिमाचल के कई भागों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, राज्य में 48 जल आपूर्ति योजनाएं ठप। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों हमीरपुर, देहरा व नालागढ़ के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों के लिए ईवीएम को लेकर रवाना हुई। 3 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए कुल 315 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उपचुनाव में कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। हिमाचल हाईकोर्ट में आज राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पिछली हियरिंग में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को जवाब देने के आदेश दिए थे। हर्ष महाजन ने तो जवाब नहीं दिया, मगर पिछले कल एक एप्लीकेशन जरूर फाइल की, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को खारिज करने का आग्रह किया गया है। इस पर कोर्ट ने भी कहा कि आखिरी दिन में यह एप्लीकेशन क्यों दी गई, जो रिकॉर्ड पर भी नहीं आ पाई। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10 जुलाई को 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सभी वोटरों से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि चुनाव परिणाम के बाद प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 41 हो जाएगी। बीजेपी ने धन बल का इस्तेमाल कर एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा और एक डील के तहत निर्दलीय विधायकों से इस्तीफा दिलाया। शेष समाचार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। भ्रष्टाचार में मामले में सीधे सीधे सीएम का नाम आना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। सीएम कार्यालय में ही बैठकर टेंडर की शर्तें तय की जा रही हैं, उन्हीं के इशारे पर लोगों को काम आवंटित किया जा रहा है। अपने लोगों को लाभ देने के लिए घोटाले किए जा रहे हैं। 175 करोड़ का टेंडर 245 करोड़ में दिया जा रहा है। किन्नौर जिले के शहीद हवलदार रोहित नेगी का पार्थिव शरीर करीब 9 महीने बाद मंगलवार को उनके पैतृक गांव तरांडा लाया गया। इस दौरान पूरा गांव रोहित नेगी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। शहीद की अंतिम शव यात्रा में शामिल लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि रोहित नेगी डोगरा रेजिमेंट में तैनात थे। पिछले साल अक्टूबर में रोहित नेगी कुछ अन्य जवानों के साथ कश्मीर में ड्यूटी के दौरान ग्लेशियर में दब गए। उस समय सिर्फ एक शहीद जवान का शव मिला, जबकि रोहित का शव 4 दिन पहले मिला है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। कई हिस्सों में 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर जगह जगह भूस्खलन व मलबा आने से मंगलवार सुबह 10 बजे तक 42 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। इसके अतिरिक्त 121 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। राज्य में 48 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित चल रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 15 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।